हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे है कि आपके पर्सन किसे चुनेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। तो चलिए आइए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। अपने पर्सन पर फोकस कीजिए गाइस। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है। पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में क्यों आई। आपके पर्सन का आपसे कोई ना कोई झगड़ा हुआ था गाइस। पास्ट में आपके पर्सन का आपसे कोई ना कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो और आप उनकी बात मानते नहीं हो, अपनी ही बात बोलते हो, और उन्होंने आपसे इसी वजह से झगड़ा कर लिया होगा और मूव ऑन कर लिया। इस वजह से उन्होंने दूसरे ऑप्शन देखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उनकी लाइफ में फ़न चाहिए था, एन्जॉयमेंट चाहिए था, उन्हें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनके प्रॉब्लम में उनका साथ दे, उन्हें समझ सके। इसलिए उन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बाद और ऑप्शन देखना शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, उनके साथ है तो थर्ड पार्टी ज़रूर, लेकिन उन्हें वहाँ पीस नहीं मिल पा रहा है, वो वहाँ खुश नहीं हैं, वो अभी भी जगल कर रहे हैं। वो आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, भले ही उनके साथ हैं लेकिन वो उनका सारा दिल और दिमाग आपकी तरफ है। अभी उनका फोकस थर्ड पार्टी नहीं है गाइस, अभी उनका फोकस वर्क है। अभी इनका ध्यान वर्क पर है गाइस। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की तो पास्ट में, लेकिन कर नहीं पाए। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये कुछ दिन में ना थर्ड पार्टी से बातचीत बंद कर देंगे और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। इनको वो रिलैक्स वहाँ नहीं मिल पा रहा है गाइस जो आपके साथ मिलता था। उनको वो प्यार, वो रिलैक्सेशन, वो आप जो उनको समझते थे ना, ये सब उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये उनको ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते गाइस, ये अभी भी अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने वर्क में भी है और आपकी तरफ भी है। आप जो हो ना गाइस, वो दूसरों का दुख दर्द समझते हो, आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो। आपका एक स्टाइल है गाइस, एक एटीट्यूड है जो आपके पार्टनर को एडमायर करता है गाइस। आपके पर्सन आपको गॉड गिफ्टेड समझते हैं गाइस। आपके पर्सन ने भले ही पास्ट में आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं गाइस, लेकिन फिर भी उनको लगता है गाइस कि आप एक ब्लेसिंग की तरह हो। आप उनके साथ थे ना तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, फाइनेंस, जो जॉब है, वर्क है, बिजनेस है उनका, फैमिली में उनके साथ, उनके जिनके भी रिलेशनशिप जिनके भी साथ थे वो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से निकले हो ना गाइस, तो कार्मिक से भी रिलेशनशिप खराब हुए हैं और उनके वर्क पर भी इसका असर पड़ा है। थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है गाइस, लेकिन वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं और वो अभी भी आपको ही सोच रहे हैं गाइस। यहाँ तो गाइस थर्ड पार्टी का कुछ दिख ही नहीं रहा है रोल, वो तो फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो आप ही की तरफ है। भले वो उनके साथ हैं लेकिन उनका सारा ध्यान आपकी तरफ है और मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में वो आपको ही चूज़ करेंगे गाइस। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, दिन रात हर पल वो आपको याद कर रहे हैं, अपने वर्क पर भी ध्यान दे रहे हैं और इधर आपको भी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ दिनों में उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। आप मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, आप मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव रहिए गाइस, निगेटिविटी की तरफ मत बढ़िए। मैं देख रही हूँ कुछ व्यूअर्स निगेटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं गाइस, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी तरफ आएंगे, उनका कॉल मैसेज आपको आएगा। आपको मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है।
डिवाइन आपके साथ है गैस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बस आप पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट करना अपने पर्सन को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो गैस। सेल्फ लव जैसे आप करते आए हो अभी तक, वैसे ही करो, उसी की वजह से आज आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ हुआ है गैस, नहीं तो वो तो थर्ड पार्टी के साथ वैसे भी चले गए थे आपको छोड़कर। उस समय उनको आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब उनको उनकी उनको आपकी कदर समझ में आ रही है, जब आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे, अब वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग गाइस पॉजिटिव रहना और अपनी लाइफ में जैसे कर रहे हो अभी तक सेल्फ लव, ऐसे ही करते रहना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। तो चलिए गाइस, ये थी रीडिंग आज की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, बाय बाय, लव यू।